जनपद मुरादाबाद के थाना मंझोला बुद्धि बिहार सेक्टर 11 में रहने वाली हर्षना पुत्री स्वर्गीय बलवीर सिंह द्वारा जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे में 112 डायल में तैनात अपने पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायती पत्र सौंपकर अपने पति के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिए गए शिकायती पत्र के माध्यम से पीड़ित महिला द्वारा अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे थाना मुंडा पांडे अंतर्गत आने वाली 112 डायल पर तैनात अपने पति अजीत सिंह उसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देकर अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित करता है। पीड़ित महिला के मुताबिक उसकी शादी 27/6/2019 को जिला बुलंदशहर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। पीड़ित महिला के मुताबिक शादी में लाखों रुपए खर्च करके दहेज भी दिया गया, लेकिन उसके पति द्वारा उसको नापसंद किया गया और महिला के मुताबिक उसके साथ किसी प्रकार का पति पत्नी जैसा कोई वैवाहिक संबंध नहीं रहा और ना ही आज तक कोई संतान पैदा हुई। पीड़ित महिला के मुताबिक उसका पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता है, जिसमें लड़के के घर वाले भी उसका साथ देते हैं। कई बार घर के अंदर मारपीट होने पर शोर शराबा मचा तो पड़ोस में रहने वाले लोगों ने आकर बीच बचाव कराकर पीड़ित महिला को बचाया। महिला द्वारा इसकी जानकारी अपने परिवार को भी दी गई, जिस पर थाना मंझोला में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, लेकिन उस पर भी पीड़ित महिला के पति ने उसे अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। जिस बात को लेकर आज पीड़ित महिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर उचित कार्यवाही की मांग कर रही है। पीड़ित महिला से जब बात की गई तो उसने बताया, मेरा नाम हर्षना है, पति अजीत सिंह पुलिस ने 2 साल से मुझे परेशान कर रखा है। मेरे साथ कोई शादी परिवार संबंध नहीं बनाया और मुझे मारते पीटते हैं, ना खाने को देते, ना खर्चा कोई चीज ला कर नहीं देते मुझे। शादी हो गई आपकी? जी शादी हो गई, मेरे 2 साल हो गए। अच्छा, फिर 2 साल से ऐसे परेशान करते हैं और खाने पीने के लिए ना कुछ खर्चा देते और कहते हैं निकल भाग मेरे घर में से, यहाँ से क्यों रह रही है, यहाँ पर भाग में नहीं रख रहा तुझे, ऐसे बोलते हैं। क्या करते हैं? कहाँ पर तैनात है इसको बराबर, कहाँ पर है? मुंडा पांडे थाने। मुंडा पांडे में तैनात है। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है, मेरे तो ऐसा कोई संबंध ही नहीं बनाया। अभी आप शिकायत किससे करी आपने? आप क्या चाहती हो? जिला बुलंदशहर खुर्चा तहसील पासी थाने का करोरा गांव का रहने वाला है। अजीत सिंह इसका नाम है, इसके पिताजी का नाम है हरि सिंह और को हीरा सिंह। ये शादी हुई हमारे, और उस तरीके से शादी हुई थी, मैंने पैसा भी बहुत सारा खर्च किया, 25 लाख रुपये खर्च किया था। शादी 27 जून को शादी हुई थी, 27 जून से भेज दिया इसके साथ में, इसलिए जाते ही बोल दिया बहन को चलो संभाल लो, अब शादी कर रहे थे, शादी नहीं हुई। ऐसी क्या वजह है, क्यों रखना चाह रहे, क्या वजह? यही तो यही वजह है, या तो कहीं इनका वो है तो माँ बाप ने इसकी शादी जबरदस्ती कराई है, ये कहीं इसका दूसरी जगह है, कोई मामला चल रहा दूसरी जगह, कहीं मामला चल रहा है। उसके बाद में बस मेरी लड़की वहाँ रही 10-15 दिन, शादी रहेगी हाँ शादी पर, फिर तो वही उसके बाद में हमने इसको बुला लिया जब ना, उसके बाद में बहुत आई संबंध कुछ नहीं इसने बनाया, मेरी बेटी ने कोई संबंध पति पत्नी का नहीं बनाया। उसके बाद में हमने बुला लिया, फिर लेने नहीं आया। अब क्या चाहती हैं ये 112 पे तैनात है, क्या चाहती हैं इनके खिलाफ, क्या क्या? मैं ये बर्खास्त होना चाहिए। कहाँ तैनात हैं? कहाँ तैनात हैं? मुन्ना पांडे थाने, वो चौकी दलपतपुर में है इसकी पोस्ट।